ट्रोपोस्फीयर जिसमें मौसम और खराब ओजोन शामिल है। स्ट्रेटोस्फीयर जहां अच्छी ओजोन हमें खतरनाक अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाती है। हमारा एटमॉस्फेयर कई गैसें से बना है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से हमारे आसपास बनी रहती हैं, क्योंकि हवा कंप्रेसिबल होती है, पृथ्वी से दूर जाने पर ये कम डेंस होती जाती है। चलिए पहले 50 किलोमीटर पर नजर डालते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर का 99% हिस्सा है। विजिबल सनलाइट एटमॉस्फेयर से गुजरकर जमीन को गर्म करती है, जिससे कि जमीन के आसपास की हवा भी गर्म हो जाती है। अब ऊपर की ठंडी हवा नीचे की गर्म हवा, जो कि एक्सपेंशन के कारण कम डेंस होती है, को ऊपर पुश करते हुए नीचे की ओर बढ़ती है। ये मूवमेंट कन्वेक्शन करंट के रूप में जाना जाता है, जो हमें हमारा वेदर सिस्टम प्रदान करता है। जब आप 10 किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर और ठंडा होता जाता है। ट्रोपोपॉज, जहां टेम्परेचर सबसे ठंडा होता है, ट्रोपोपॉज के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर होता है। इसके नीचे ट्रोपोस्फीयर होता है, जिसमें हमारी 80% हवा और पूरा वेदर सिस्टम होता है। ये कम हवा वाली एक लेयर होती है, जो ऊपर की ओर गर्म होती है, क्योंकि ऊपर की ओर इसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस द्वारा गर्म किया जाता है, जो अच्छी ओजोन द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, और नीचे से ये ठंडी रहती है, जो इसे डायनेमिकली स्टेबल बनाता है। ये टर्बुलेंट ट्रोपोस्फीयर से ठीक उल्टा है। यदि आप कभी एक जेट एयरप्लेन में बैठे हैं, तो टेक ऑफ के बाद टर्बुलेंट ट्रोपोस्फीयर की वजह से आपको एक बम्पी राइड मिली होगी, लेकिन जैसे ही आप बादलों और मौसम के ऊपर पहुंचते हैं, आपकी यात्रा स्मूथ हो जाती है। प्रोपेलर प्लेन्स इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते, क्योंकि हवा कम होने के कारण प्रोपेलर हवा पर ग्रिप नहीं बना पाते। तो ये अच्छी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन आती कहां से है? वीडियो को रोकें और ओजोन के फॉर्मूले के बारे में सोचें। वेल, ओजोन ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप है। इसके मॉलिक्यूल्स 3 ऑक्सीजन एटम्स से बने होते हैं, जो कि आपस में वीकली बॉन्डेड होते हैं। ये एक अनस्टेबल गैस है, जो कि धीरे धीरे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लगातार अल्ट्रावायलेट लाइट्स द्वारा बनती और टूटती रहती है, जिसे ओजोन ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में यूवी को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और वो 2 फास्ट मूविंग एटम्स में विभाजित हो जाती है। ये फास्ट मूविंग ऑक्सीजन एटम्स उनके आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ टकराते हैं। इससे फ्री ऑक्सीजन एटम्स की स्पीड कम हो जाती है, और उन्हें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ओजोन बनाने का मौका मिल जाता है। यदि वे बहुत तेजी से मूव करते हैं, तो वे केवल बाउंस होकर निकल जाएंगे। हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ वो जो एनर्जी शेयर करते हैं, वो अपर एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है। ऑक्सीजन एटम अब ओजोन बनाने के लिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गया है। ओजोन अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करने में बहुत इफेक्टिव होती है, जिससे कि वो वापस एक ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में विभाजित हो जाती है, और अपर एटमॉस्फेयर को गर्म रखती है। जैसे ही ऑक्सीजन एटम वापस से स्लोली मूव करना शुरू करता है, फिर से ओजोन बन जाती है। ओजोन पूरे स्ट्रेटोस्फीयर में फैली हुई है, जो यहाँ काले रंग में दिखाई गई है। आपको क्या लगता है कि हाई अप और लो डाउन ओजोन काफी कम क्यों है? याद रखें कि ओजोन बनाने के लिए हमें अल्ट्रावायलेट लाइट और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पॉज करें और सोचें। वेल, यहाँ बहुत कम ऑक्सीजन है, और यहाँ ट्रोपोपॉज के पास, जो कि लोएस्ट टेम्परेचर वाला पॉइंट है, जहाँ ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर मिलते हैं, यहाँ कोई अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं होती। इसे ऊपर वाली ओजोन द्वारा पहले ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये है हमारी ओजोन लेयर। यदि ओजोन को सॉलिड्स की तरह एक साथ दबा दिया जाए, तो ये केवल एक कार्डबोर्ड की शीट की जितनी मोटी होगी, लेकिन ये वास्तव में एक 20 से 30 किलोमीटर तक फैली हुई गैस है। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के आने से पहले यूवी पृथ्वी की सतह तक पहुंच सकती थी, और उसने किसी भी प्रकार के जीवन को पनपने नहीं दिया। ओजोन ट्रोपोस्फीयर में भी मौजूद होती है, जो कि मुख्य रूप से यातायात से होने वाले प्रदूषण पर सनलाइट के एक्शन द्वारा बनती है। ये फोटोकेमिकल स्मॉग बनाने में सहायक होती है, जो कि एक पॉल्यूटेंट है। पार्ट 2 में हम ओजोन लेयर के फेमस होल के बारे में जानेंगे।